हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है LOVE एडवाइस डील से टिप। दोस्तों, आज के हमारी टिप पे हम आपको ये बात बताएंगे कि कैसे जाने आप लड़की के मन की बातें। क्या वो लड़की आपको सच में लाइक करती है या नहीं करती है, क्या वो लड़की आपको लाइन देती है या नहीं, तो ये सब जानेंगे दोस्तों आज की इस टिप में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्लीज इस मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटे बेल को भी दबाएं, जैसे कोई भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, आप बहुत बार ऐसा देखा होगा, आपने भी और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी लड़की को मनी मन इतना चाहने लग जाते हो, उससे इतना प्यार करने लग जाते हो कि आपको खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हो दोस्तों कि क्या वो सच में मेरे से वो प्यार करती है या नहीं करती है। तो आपको भी दोस्तों मन में ये बात आता होगा कि कैसे मैं जानूं कि वो मुझसे प्यार करती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बात बताएंगे। दोस्तों, वो कुछ सिंपल से साइन देती है, जिस साइन को अगर आप समझ गए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो आपको लाइन देती है। तो दोस्तों, इशारा वो ये है कि क्या वो लड़की आपको देख के स्माइल करती है या नहीं करती। मानता दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि स्माइल तो नॉर्मल बात, पर वो सिर्फ आप ही को देख के स्माइल करती है तो ये नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों। और आप पहली बार में ये मत समझ लेना दोस्तों कि वो आपको चाहती है, सिर्फ अगर एक ही बार आपको देख के स्माइल करती है तो। वो दोस्तों पहले तो आप ये जान ले और ये पता लगाए, क्या वो सिर्फ आप ही को देख के स्माइल करती है और वो भी किसी भी लड़की को देख के स्माइल कर देती है। तो पहले आपको दोस्तों यही पता लगाना है, या वो सिर्फ आप ही को घूरती है या और भी किसी लड़की को घूरती है, किसी को भी देख लेती है, ऐसी टाइप में है। जो भी लड़का देखा उसको देख के स्माइल कर दिया, जो भी लड़का देखा उसको देख के घूरने लग गई, कुछ इस तरीके का। क्योंकि बहुत से ऐसी लड़कियों का आदत होता है जो किसी भी लड़के को देखती है तो स्माइल कर देती है, किसी भी लड़के को देखती है तो उसको देखती रहती है। और आपने पता लगा लिया कि वो सिर्फ आप ही को देख के घूरती है और आप ही को देख के सिर्फ स्माइल करती है, तो इसका मतलब वो आपको लाइक करती है, आपसे बातें करना चाहती है। तो आप भी दोस्तों जाके उससे बातें करें, क्योंकि लड़की आपके पास नहीं आएगी बात करने के लिए। और अब दूसरा साइन, मान लीजिए कहीं दोस्तों आप जा रहे हो और आपको सामने से दिख जाती है, और अगर उसके साथ कोई फ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड को दिखाती है कि देखो वो लड़का। तो आप दोस्तों आपको वही चीज़ नोटिस करनी है कि क्या वो आपको दिखा रही है। अगर उसकी फ्रेंड लोग भी आपको देखती है तो इसका मतलब उन्हें बता रही है कि देखो वो है लड़का वो। दोस्तों आपको वही पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, तो आप समझ लेना कि वो आपको नोटिस करती है, आपको पसंद करती है। और अब तीसरा इशारा, तो ये इशारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए ज़रा ध्यान से। क्या वो लड़की जब भी आपको देखती है तो चौंक जाती है, कुछ अजीब सी हरकतें करती है, और तो आपको देख के शर्मा भी जाती है वो। दोस्तों जब भी कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है ना, तो उसको देख के जरूर चौंक जाती है, थोड़ी सी शर्मा जाती है, वो कहीं छुप भी जाती है। ऐसा दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा दोस्तों तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आप नोटिस करिए। और दोस्तों चौथा इशारा ये है कि जब भी आप कहीं से गुजरते हो तो सिर्फ वो आप ही को देखती रहती है। आपको जिससे आगे से वो देखती है आते समय, तो वो अपने बालों के साथ खेलती है, अपने बालों को गोल गोल घुमाती है, या आपको देखने के बाद थोड़ी सी नीचे मुंडी कर लेती है या थोड़ा आगे पीछे देखती है, कुछ इस तरीके के साइन भी। दोस्तों अगर ऐसा करती है तो इसका मतलब वो आपको मनी मन चाहती है, आपसे वो प्यार करती है, आपको वक्त मांग रही है कि आप उससे आगे कुछ बोलो। तो आप दोस्तों इसमें कोई देरी ना लगाए, आप जाके उससे बात करो, उसे प्रपोज करो कि लड़की आपसे बात करने नहीं आएगी। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती है जो टोक देती है, पर बहुत सी लड़कियाँ शर्मीली टाइप की भी होती है, जिसको शर्म सा आ जाता है कि मैं कैसे टोकूँ उसे। तो दोस्तों प्लीज़ आप ही उसे टोके। तो दोस्तों आप शर्म मरम छोड़ो, आप उससे जाके डायरेक्ट बात करो, क्योंकि अगर वो आपको चाहती है तो पक्का हाँ ही करेगी। और अगर दोस्तों उसने ना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं चाहती है, फ़र्क इतना है वो थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई है कि मेरे को सोचने का टाइम चाहिए, और वो सोचने के बाद आपको जवाब जरूर देगी। क्योंकि दोस्तों आपने भी एक कहावत सुनी होगी, इंतजार का फल तो मीठा ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, और दोस्तों अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। और दोस्तों प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।